तो दोस्तों मेरे दोस्त ना पीने के बाद किसी भी साउंड पे नाच सकते हैं, आओ आपको दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी, मनपसंद पार्क चलोगे क्या? यार हम तो मनपसंद पार्क में ही, क्या करूं? अरे सोच कर रहा, बताओ चलोगे? हाँ मैडम चलूंगा, 500 रुपए लूंगा मैडम। 500 रुपए? हाँ वो ज्यादा नहीं है? नहीं मैडम इतने लगते हैं। चलो मैडम थोड़ा पकड़ के बैठना, गाड़ी तेज चलाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है। जो मैडम आ गए। आ गए मैडम पैसे। अगली बार से ऑटो थोड़ा धीरे चलाना। गंजा गंजा। अबे भाई कब तक सिंगल रहेगा, अब तो गर्लफ्रेंड बना ले। भाई सब ये बोलते हैं गर्लफ्रेंड बना ले, कोई ये क्यों नहीं कहता मेरी वाली ले जा और काम चला ले। बेटा सारा दिन लड़कियों की आईडी चेक करने से दिल भर गया हो तो पढ़ाई में भी दिल लगा ले। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। अरे दोस्त आजकल इतना ना शादी हो रहा है कि हमारा तो टेंशन हो गया है। काला टेंशन हो गया रे? और टेंशन इसीलिए हो गया है कि कहीं लड़की ना खत्म हो जाए, कहीं हम कुमारे न रह जाए। भैया तो स्प्राइट देना। भैया कितने हुए? 100 रुपए। भैया एक जादू दिखाओ आपको। हाँ दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ। धूम भट। भैया पैसे ही मैडम देगी। मैं क्यों दूंगी? मैडम मैंने जादू से ये दोनों बॉटल आपके बैग में रख दी। नहीं नहीं, एक ये दो। लोग डेली रंग बदलते हैं और मैं डेली अपने नए नए कपड़े बदलती हूँ। तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? शादी करने के लिए। पर क्यों? मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, जो शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहला नाम आता है ना, वही आपका असली जीवन साथी है। मेरे तुम आती हो। जो जो लड़के लड़कियों के नाम से आईडी चलाते हैं उनके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया उन्हें इच्छाधारी हिजड़ा घोषित कर दें। सालों ने नाक में दम कर रखा है। हाँ मैडम बोलो। भैया जल्दी से एयरपोर्ट ले लो, अगर मैं अर्जेंट नहीं पहुंची ना तो मेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा। मैडम 500 रुपए लगेंगे। ठीक है। भैया थोड़ा तेज चलाना, इतनी धीरे क्यों चला रही हो? अरे मैडम क्या जल्दी जल्दी कर रही हो, ऐसी क्या बिरा रही हो, चलेगी वैसी चलेगी गाड़ी। अरे भैया मैं जल्दी नहीं पहुंची ना तो मेरा बॉयफ्रेंड दुबई चला जाएगा। अरे क्या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इतना स्मार्ट बंदा ऑटो चला रहा है वो छोड़ के बॉयफ्रेंड में लगी हो। मैं भी सिंगल, तुम भी सिंगल, मुझसे पढ़ जाओ। भैया औकात में रहकर बात करो, ठीक है ना? ओ मैडम औकात औकात तक जाना मत है ना। कितना कमाता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? 50,000 रुपए महीना। अच्छा बस, पर तुमको मालूम है मैं कितना कमाता हूँ? कितना? तुमसे 500 रुपए ले रहा हूँ ना, तुम्हारे से कस्टमर 20 आते हैं मेरे पास दिन भर में। हाँ तो 20 कस्टमर से जोड़ लो, महीने भर के कितने हो रहे हैं? 3 लाख रुपए महीना। 3 लाख रुपए महीना? बेबी आप एक काम करो, ऑटो पलटा, अपन तो कॉफी पीते साथ में। चलो अरे आपको सीधे वो ही ले लेता हूँ। तो देखा आपने,
ऐसे जब आप लापरवाही बरतते हैं और ऐसे बेहोश खड़े रहते हैं तब आपका फोन पर्स कोई भी चुरा सकता है। तो आप ऐसे ना खड़े रहें और ऐसी गलती ना करें। अगली बार से सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। एक्सक्यूज मी, 1,000 रुपए के लिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार सकते हैं? तुम 1,000 रुपए के लिए मुझे थप्पड़ मारोगे तुम मुझे? कैसी बातें कर रही है, 1,000 रुपए के लिए मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा? यार ये तो करती है, पागल है क्या? हाँ मैडम भैया एयरपोर्ट जाना है। हाँ मैडम बैठ जाओ पीछे। भाई मैं लेके जाऊंगा। अबे मैं लेके जाऊंगा, अबे पहले मैं रुकाऊ? अबे पहले मेरी गाड़ी रुकी है, मेरी गाड़ी पहले रुक। ए चुप रहो, तुम दोनों में से जो कम में लेके जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है मैडम, बेटा 500 में लेके चलता हूँ तुमको एयरपोर्ट। अच्छा मैं 300 में ले जा लूंगा। अबे मैं 250 में ले जाऊंगा। अबे मैं 200 में ले जा लूंगा। अबे मैं 100 में ले जाऊंगा। मैडम बैठो, मैं फ्री में ले जा लेता हूँ। मैडम बैठो। अरे मैडम मैं रास्ते में तुमको नाश्ता भी करवा दूंगा। अबे नाश्ते के साथ खाना भी खिलवाऊंगा उनको। बैठो मैडम। अरे मैडम रुको, सुनो तो सही। मैडम तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुमको मेरा फोन दे दूंगा, ये लो 12। आईफोन 12? ये 14 प्रो मैक्स। अरे आप दोनों लड़ो मत, मैं आप दोनों की परेशानी दूर कर देती हूँ। अरे वो कैसे मैडम? देखो मैं एयरपोर्ट जा रही थी दुबई जाने के लिए, और मैं दुबई इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे आईफोन लेना था, पर आईफोन तो मुझे यही मिल गया है, तो मेरा दुबई जाना कैंसिल। बाय बाय भैया। और भाई कैसा है? बस बढ़िया भाई। अरे वाह यार, नई गाड़ी लाया तू? हाँ भाई, मुझे भी एक राउंड कटवाना यार। क्यों ए बाजी जो मेरा आधार हो दे, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा है, कोई रोटी आटा। भैया थोड़ी तीखी बनाओ। भैया और तीखी। भैया थोड़ी और तीखी। अरे भाई आप इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ। ओह नो, क्या हो गया भाई? फॉलो कर। आयो रिमा कर 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 आईडी सागर पॉप बांक कर दिया। थैंक यू। आमिर अब लोंडिया बाजी जरा देखभाल के करियो। अबे चल बे, तू सिखाओगा मुझे? ना नक्शेबाजी वाली बात ना है, जुल्फिकार भाई का लोंडा आएगा ना। हाँ? अपनी साइटिंग से मिलने गया, पकड़ लिया उसके अब्बा ने, हाथों हाथ काट दिया। मतलब बिल्कुल जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया बेटा उसका। कल मैं 5 बोतल दारू की लाया, फिर मेरे पास पैसे खत्म हो गए। oh, no. फिर मैंने सोचा कि पैसे तो खत्म हो गए, अब मैं चकना कहाँ से लाऊंगा। फिर मैंने एक दिमाग लगाया। huh? मैंने सारी बोतलों को एक पतीले में खाली कर दिया। What? और उन बोतलों को मैं कबाड़ी के बेच आया। फिर मैं लाया एक मिक्सचर नमकीन। फिर मैंने सिस्टम अरे मेरी जान, आई लव यू। अरे यार ये मेरा दोस्त बात करेगा तेरे से, एक बार करना। हेलो। हाँ बाबू, आई लव यू। साले कुत्ते कमीने नल्ले, दोबारा मत बोल देना। और तेरी सेटिंग में गाली दे रही है, तू ही बात कर। एक मेरा यारा, एक ओ दिया। अरे तेरे को शर्म नहीं आ रही, मेरे पक्के दोस्त को तू गाली दे रही है यार। बाबू बस 2-4 दी थी। 2-4 गाली मत दे, साला को 100-150 दे। शर्म ना, बड़ी मुश्किल से एक सेट हुई है, बाकू भी तू आई लव यू बोल दे। ज्यादा खाता मॉडल वो 100-150 गाली झाड़ा के। लुका रही है तेरी माँ की टैट। अरे एक और हो गया हो गया
अब आप आ जाओ, आपकी फोटो क्लिक कर देती हूँ। नहीं नहीं मेरे को नहीं कराने। अरे नहीं नहीं आ जाओ। ठीक है हाँ चलो पोज दो। नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, पोज चेंज करो, हाथ बाहर निकालो। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे रखना। अरे पर मेरे हाथ तो भारी थे ना। एक काम करो तुम हाथ फोल्ड करो। अच्छा ठीक है। हिलाना मत बिल्कुल भी, ऐसे रहना ठीक है। फिर से तुम पागल वागल हो क्या? अरे मेरे हाथ तो मैं रुको भाई साहब एक मिनट इधर आना। जी मैडम। आप एक काम करोगे क्या, इनके हाथ पकड़ लो पीछे। ठीक है मैडम। हाँ बस। अरे यार मेरी जेब से जर्दा निकाला था क्या? नहीं मैंने तो नहीं निकाला। अरे विशाल। हाँ भैया। मेरी जेब से जर्दा निकाला था क्या? सुनता क्यों नहीं? मैंने तेरा नाम लिया तू सुन लिया और आगे की बात तू सुन नहीं रहा। वो क्या है ना भैया, इस रूम में सिर्फ नाम सुनाई देता है, आगे की बात सुनाई नहीं देती। ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी जी एक काम करो आप यहीं रुको, हम दोनों वहां पे जाते हैं। चलो बोल। अरे भाभी। हाँ देवर जी। भैया के पर्स में से कल शाम को 500 रुपए किसने निकाले? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। अरे हाँ देवर जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, यहाँ नाम के अलावा तो कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों जाओ उधर और मैं बैठता हूँ, कैसे सुनाई नहीं देता। सुनो भैया। हाँ छोटे। नौकरानी को नया मोबाइल किसने दिलवाया? तेरी बात में दम है, तू सही कह रहा है, उसमें सुनाई नहीं देता नाम के अलावा। बेबी चलो ना वो वाले कैफे पे चल के कुछ खाएं। अबे ये तो बहुत ही महंगा कैफे लग रहा है। नहीं बेबी मेरे को भूख नहीं है। अरे बेबी मुझे तो है ना, चलो मैगी ऑर्डर करते हैं। हाँ बताओ तो। मैगी 100 रुपए की? अच्छा हो मेरी जेब में 100 रुपए ही है। हाँ कर दो ऑर्डर। भैया एक मैगी। अच्छा हुआ 100 रुपए थे आज जेब में, नहीं तो कचरे हो जाते। बेबी मैगी के बाद में ना अपन एक पिज्जा भी मंगवाएंगे। पिज्जा? हाँ मंगवा लेंगे। अबे 450 रुपए का पिज्जा, मेरी जेब में अटन्नी भी नहीं है। बेबी तुम ये मैगी खा लो, फिर तुमसे एक बात पूछनी है। अरे इसको कौन सी बात पता चल गई मेरी, क्या बात होगी यार। बेबी खा ली। अरे बेबी अभी तो पिज्जा भी ऑर्डर करना है, पिज्जा भी तो खाना है ना। पिज्जा? नहीं बेबी मेरा पेट भरा गया, आप पिज्जा कैंसिल कर दो। वैसे आप कौन सी बात पूछ रहे थे? अरे मेरे को ये बात पूछनी थी कि ये मैगी का टेस्ट कैसा है। अच्छा ये बात थी क्या, फालतू में पिज्जा कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है चलते हैं। अबे आज तो बच गया तो गंदी बेइज्जती होती। ए भगवान मुझे उठा ले। अरे मैंने सोचा कि वो मेरे प्यार में पागल है और आज मुझे मालूम चला रहे वो तो बचपन से ही पागल है। देखो अपन मुंशी बना लो, छोटा मोटा काम कर दिया करूंगा तुम्हारा एकदम खत्म। वकील साहब एक दिक्कत होगी, केस लड़ो। पर मैं लड़ूंगा, बता किसके साथ लड़ाई हुई? बॉक्सर हूँ मैं। मुंशी है तो मुंशी के नीचे रहा, वकील के नीचे रहा वो तो लड़ाई की बात कर रहा हूँ। केस तो मैं लड़ूंगा नहीं इसको। ना मैं लड़ूंगा, मैं मुंशी हूँ तुम्हारा, मैं लड़ूंगा, बता किससे लड़ाई हुई। बात कर रहा है यार, समझा कर यार। कोई बात नहीं यार, मैं वकील ले लूंगा यार। ये क्लाइंट आए तुमने वो भी निकाल दिया है यार, मैं लाऊं पकड़ के लाऊं। चलो मैं आया जी, आज ही वॉशरूम होके। मुझे तो शॉपिंग के लिए हमेशा मना करता है और यहाँ अय्याशी चल रही है, चल आज तो खर्चा करवाती उसका। बेबी क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही फ्रेंड के साथ घूमने आई थी। पर्स। बेबी ये क्रेडिट कार्ड से मैं शॉपिंग कर लूँ? अरे बेबी इतनी छोटी बात पूछने की क्या जरूरत है, कर लो। बेबी मैक के कॉस्मेटिक ऑफर में मिल रहे है, मैं ले लूँ? अरे बेबी कर लो, और तुम्हारा फोन भी बहुत पुराना हो गया, वो भी ले लो। अरे जीजू इतना कुछ दिलवा रहे तो मेरे लिए भी दिलवाओ ना। हाँ तुम्हारी फ्रेंड को भी दिला दो। अच्छा बेबी सुनो ना, मेरा फोन भी पुराना हो गया है, ये भी ऑर्डर कर दूँ? ले लो। चलो जीजू मैं निकलता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो जीजू से मिलने आया था, चलो निकलता हूँ। अरे सुन इतना क्रेडिट कार्ड ले जा। मैडम फोटो खिंचा लो 10 रुपए में DSLR से। नहीं। सर फोटो 10 रुपए में।
सर फोटो, सर फोटो 10 रुपए में, 10 रुपए में। हाँ सर क्यों नहीं, 10 रुपए तो पहले 10 रुपए ये लो। देखो सर देखो यार कितना अच्छा है यार। चलो मैं चलता हूँ। रुको रुको सर, फोन में दे दो, फोन में दे दो, तू मुझे एड्रॉप कर देना। हाँ हाँ सर, वो फोटो खींचने के 10 रुपए हैं, फोन में लेने के तो 1000 रुपए हैं। चाहिए तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। 1000 रुपए चलो। अरे फोटो खिंचालो, फोटो खिंचालो। शादी मुबारक हो भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। यार भाई यार, अकेले अकेले शादी कर रहा और शादी में ना बुला पक्का दोस्त को। ना बुला जब भी आगो तू। क्या तेरी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी? नीचे रखे हम। चल भाग जा, उठा के बाहर फेंको इसको। ये तरह स्कूल लो, खा लेने दे बस। बाहर फेंको इसको। यार पक्की दोस्ती तोड़ दी आज तेरे। सुदामा वाली दोस्त टूट गया अपनी। बेकदर बेवफा ऐसा क्यों किया, बेकदर बेवफा तूने ऐसा क्यों किया, धोखा दिया हमें तूने अच्छा नहीं किया, धोखा दिया तूने हमें अच्छा नहीं किया। धोखेबाज तू, धोखेबाज तू, धोखेबाज तू, धोखेबाज तू। प्यास बुझाई